बेटा इसको हॉस्पिटल लेके जाओ राहुल, लेके नहीं जाने मेरी पुलिस नहीं लेके जाए बेटा, राहुल को हॉस्पिटल लेके जाओ। रोना नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, वो तो सिर में चोट लगे ठीक हो जाएगा, रोना नहीं, जल्दी लेके जाओ बेटा हॉस्पिटल। यह दिन देखने के लिए मैडम लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो पद्मभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है, इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए, ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया, ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तय है सारे सारे यही पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ करेगा, उनको साथ कर नहीं रहे सर। जो वहाँ पे पहलवान थे जो जो आरोप लगा रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर नहीं, महिला पुलिसकर्मी डेडिकेटेड डेली ऑन अ डेली बेसिस शाम को जंतर मंतर पे लग रही हैं, आज भी मौजूद थी, और बाकी जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं हमने इनको बोला है, जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं उसका ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट है, हम उसमें बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से जांच करवाएंगे। आज तक पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में होने का भी आरोप लगा, उसके लिए भी हम अभी जो जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है उसका मेडिकल करवा रहे हैं, और आप निश्चिंत रहिए कि हम बिल्कुल ही जो भी इसमें होगा निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई एक्शन जो भी लीगल कार्रवाई बनती है बिल्कुल लेंगे। सर सोमनाथ भारती को क्या डिटेन किया गया, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं? हाँ, सोमनाथ भारती को हाँ जी दो लोगों के साथ डिटेन किया है।